फिर मैं स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल द इंडियंस ज्ञान में। तो आज बात करते हैं, एक बहुत ही मतलब गुड न्यूज है और उन लोगों के लिए प्रेरणादायक है जो बहुत जल्द हार मान जाते हैं और उनको ये तक नहीं विश्वास होता है। जो लोग खुद CV ड्रॉप करते हैं या ऑनलाइन CV ड्रॉप करते हैं कैरियर पेज पे जाके, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन वो लोग 1 से 2 दिन में ही होपलेस होने लगते हैं। तो जैसा कि आपको थंबनेल में ही दिख गया होगा कि 50 बार इंटरव्यू फेल होने के बाद भी, वो भी एक गर्ल्स, एक लड़की इतना एक्टिव है, 50 बार इंटरव्यू फेल होने के बाद भी उसने हार नहीं माना और लास्ट में जाके 9 राउंड का इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आज गूगल से उसको इतने बड़े पैकेज का ऑफर हुआ। तो ये चीज़ें दर्शाती हैं कि हमको अपने डिग्री, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो हम पढ़े हैं उस पे तो कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि हम पढ़े हैं, हम इसमें कैसे फेल हो सकते हैं, हम इसकी इंटरव्यू में कैसे फेल हो सकते हैं, जिसको हमने पढ़ा है, जिसके लिए मैंने 2 साल 3 साल कॉलेज डिग्री कॉलेज या स्कूल में बिताया है, उस चीज़ के इंटरव्यू में हम कैसे फेल हो सकते हैं। फेल होते हैं वो, कई सारा परफॉर्मा होता है, वो फेल होते हैं लोग, लेकिन वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डीमोटिवेट हो सकता है, आदमी उसके लिए प्रिपेयर करता है। देखिए, चाहने वालों की हार नहीं होती है। अगर आप अपना एम और अपनी उससे हटेंगे नहीं और डीमोटिवेट नहीं होंगे तो आपकी कभी नहीं हार होगी। कुछ लोग होता है जॉब करने लगते हैं, 2 महीना करेंगे 3 महीना करेंगे, अपने एम को भूल जाएंगे, हाँ बस यही मेरी लाइफ है, मेरा खर्चा चल जा रहा है, घर का काम चल जा रहा है, बस और कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। नहीं, वहाँ आप सीखो, अपने एम को हमेशा अपने सामने रखो कि हमको यहाँ से भी यहाँ तक पहुँचना है, उस लेवल का काम करो। आप उस काम में कैसे मतलब सिमट सकते हो जिसमें आप बचपन से तैयारी की हो या इंटर लेवल के बाद आप पढ़ के उसमें एक्सपर्ट हुए हो। तो अभी जब उस लेवल की आपको मान लीजिए जॉब मिल जाती है, छोटे फील्ड में मिले लेकिन काम उसी से रिलेटेड है, उसमें आप एक्सपर्ट बनिए, एक्सपीरियंस गेन करिए। संप्रीति यादव की मैं बात कर रहा था, 50 बार इंटरव्यू फेल हुई, लास्ट में 9 राउंड का इंटरव्यू गूगल ने लिया उनका, उसके बाद उनको इतने बड़े पैकेज का, मतलब 10 करोड़ रुपया पर ईयर उनको ऑफ़र किया गया, उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट भी कर लिया। अभी माइक्रोसॉफ्ट भी उनको ऑफ़र कर रहा है, मतलब इतनी कंपनियां ऑफ़र कर रही हैं। तो इन सब मामलों में मैं 2 स्टेट वालों को ज़्यादा देखता हूँ, एक बिहार वालों को और एक पंजाबी लोगों को, कि इनका मोटिवेशन लेवल नहीं डाउन होता है, यह हर माहौल में अपने आप को ढाल लेते हैं और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ये बीट कर जाते हैं क्योंकि ये डीमोटिवेट नहीं होते हैं। और कई लोग, मैं खासकर दुबई जो लोग आते हैं, जो लोग सोचते हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूँ, 10 दिन चलेंगे जॉब नहीं मिलेगा, अरे हमको जॉब नहीं मिल रही है सर, हमको जॉब चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। कैसे शॉर्टकट भाई, आप जिस डिग्री को लेके 2 साल 3 साल 4 साल पढ़े हो या उसमें एक्सपीरियंस है, तो आप उसमें कैसे फेल हो सकते हो, उसमें उसके लिए कि कैसे आप हार मान सकते हो। आप 100% अपना दो, सामने से भी रिस्पॉन्स आता है लेकिन आप 100% दो। आप अपनी कमियां खोजो कि कहां आपसे चूक हो रही है कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, उस चूक को सही करो। कहीं भी कोई फॉल्ट होती है तो पहले अपनी कमियां खोजिए कि मेरे से कहां गलती हुई है, उसको आप सुधारिए। देखिए, एक एम बना के चलेंगे तो वो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि सबका 10 करोड़ का या 1 करोड़ का पैकेज लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये रियर कहानी है, लेकिन इनसे हम प्रेरित हो सकते हैं। हम 20,000 से स्टार्ट करके 1 लाख तो पहुँचें, ज़रूरी नहीं है हम 1 करोड़ पर पहुँचें, 20,000 से 1 लाख पहुँचे तब भी मेरी सर्टिफिकेट की वैल्यू है, तभी तो मैं उसमें 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल पढ़ा था, तो 20 से मैं 1 लाख पहुँचा ना। लेकिन मैं 20,000 में संतुष्ट हो जाऊँ और लास्ट तक जाते जाते 40 साल 50 साल का उम्र हो जाए, 50,000 मेरी सैलरी हो, तो वो बेकार है, कोई मतलब नहीं है, आपने हार मान लिया।
हमेशा सीखिए, हमेशा सीखते रहिए, हमेशा एक्सपीरियंस गेन कीजिए और उसको जितना ज़्यादा एफर्ट के साथ प्रेजेंट करिए। कमियों को पकड़िए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, हम कितना ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हैं। एक जॉब प्रोफेशन में रहते हुए या बिना जॉब प्रोफेशन में रहते हुए हमसे गलतियाँ कहाँ हो रही हैं, क्यों मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। शॉर्टकट कोई ऑप्शन नहीं होता है, एजेंट कोई ऑप्शन नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जो आदमी प्रैक्टिकली अपने आप को साबित कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। नहीं तो एजेंट को 4 लाख 5 लाख दे दीजिए, वो जॉब दिला देगा, हर महीने उसको भी कमीशन जाएगा, आपकी भी छोटी मोटी सैलरी आती रहेगी। जी ये लोग जीते हैं इसे ही। तो मैं सलूट करता हूँ ऐसी लड़की को जिसने हार नहीं माना, जिसने अपनी पढ़ाई और अपने एक्सपीरियंस और अपने कॉन्फिडेंस को कॉन्फिडेंस में रखा और उसने अपना गोल अचीव किया। आज उसके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, वो चूज कर सकती है। कैसे ये चांस आया? ये चांस ऐसे ही आया कि उसने अपने सर्टिफिकेट और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को अंडर एस्टिमेट नहीं किया और डीमोटिवेट नहीं हुई। तो मेरा उन दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग दुबई या गल्फ का प्लान कर रहे हैं तो एक एम बना के निकलें अपने प्रीवियस लाइफ हिस्ट्री को देखते हुए और उसी पे फोकस रखें। दुनिया की मौज मस्ती में गुम मत होइए। अभी आपकी लाइफ दूसरे तरफ जा रही है तो आप अपने आने वाले लाइफ के लिए जीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।